नर्देयर मित्रों, मैं पिंटू वर्मा मेरे YouTube चैनल में आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं ग्राम बकावा जिला खरगोन ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास मध्य प्रदेश से। जैसा कि हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के अध्यक्ष श्री श्री 1008 नृत्य गोपाल जी महाराज के द्वारा दुर्लभ नर्देश्वर शिवलिंग स्थापित करने का प्रण लिया गया है। यह शिवलिंग एक सामान्य मात्र नहीं है, यह मां नर्मदा की गोद से प्राकृतिक रूप से मां नर्मदा से उद्गमित है, जिस पर ओम आकृति उभरी हुई है। प्रत्येक नर्देश्वर शिवलिंग की प्रकृति में कोई भी मानवगत हस्तक्षेप नहीं है, यह पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। यह पूरे विश्व जगत में एकमात्र नर्देश्वर शिवलिंग ही है जिसकी कोई प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। इसे हम घर में सीधे स्थापित कर सकते हैं। हमारा कार्य मां नर्मदा की गोद से प्राकृतिक नर्देश्वर शिवलिंग निकालना है जिसपे दुर्लभ आकृतियाँ उभरी रहती है। इसी प्रकार हमारे द्वारा आकार प्रदान किए हुए नर्देश्वर शिवलिंग 1 इंच से लगाकर 21 फीट तक दुर्लभ आकृतियों में उपलब्ध है। जैसे कि मैंने मेरे पुराने वीडियो में मां नर्मदा की गोद से नर्देश्वर शिवलिंग निकाल कर आपको बताया था, ठीक उसी प्रकार कुछ नर्देश्वर शिवलिंग में आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यह देख लीजिए, मां नर्मदा की गोद से निकाला हुआ शिवलिंग है, इसमें दुर्लभ आकृति उभरी हुई है। यह इसकी हाइट है 11 इंच। यह आकृति हूबहू ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे ही शिवलिंग की किसी गोलाकार मूर्ति पर खड़ा दिखाया जाता है, जिससे देख लीजिए, जिसे पुराणों में पीठम पीठ या जलाधारी कहते हैं। ये देख लीजिए, ये जलाधारी बनी हुई है और ये शिवलिंग है, देख लीजिए आप। यह देख लीजिए, इसी प्रकार मैं आपको एक नर्देश्वर शिवलिंग दिखाता हूँ। यह देख लीजिए, यही मां नर्मदा की गोद से निकाला हुआ प्राकृतिक नर्देश्वर शिवलिंग है। इस पे तिलक उभरा हुआ है, इसकी हाइट है तकरीबन 4 इंच है। यह आकृति वैसे ही है जैसे ही हूबहू भगवान शिव के माथे पर तिलक होता है, यानी वह तिलक जिसे पुराणों में त्रिपुंड तिलक या शिव तिलक भी कहा जाता है। देख लीजिए ये, यह देख लीजिए। इसी प्रकार एक और मैं आपको नर्देश्वर शिवलिंग दिखाता हूँ। यह देख लीजिए, यह भी मां नर्मदा की गोद से निकाला गया है, जनेऊधारी है, इसमें 108 जनेऊ उभरी हुई है। यह देख लीजिए, जनेऊ को यज्ञ सूत्र या ब्रह्मसूत्र भी कहते हैं। जनेऊ धारण करने की परंपरा बहुत ही प्राचीन है, देख लीजिए। इसे उपवन संस्कार कहते हैं और पुराणों के अनुसार जनेऊ धारण करना अर्थात ब्रह्मा और ज्ञान के निकट माना जाता है, देख लीजिए। सभी श्रद्धालुओं का मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नर्देयर।